ज्यादा सुहाना है ना असम का नजारा, लेकिन असम के इन सुंदर नजारों के अलावा भी एक चीज यहाँ की बहुत आकर्षित करती है और वो है असम का खाना। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पी। आज आप सबको असम की कई सारे मजेदार रेसिपीज में से एक रेसिपी मैं आज आप सबको बनाकर दिखाऊंगी और वो है मास पातोदिया, यानी कि फिश जिसको हम सरसों के पेस्ट के साथ मैरिनेट करते हैं और उसे हम स्टीम करते हैं केले के पत्ते के साथ। है ना कुछ अलग? तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों, जिसको मैं भिगो लूँगी और उसके बाद इसका एक फाइन पेस्ट बनाऊँगी। अदरक लहसुन, कुछ हरी मिर्च, सरसों का तेल, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ फिश के बड़े बड़े पीसेस। पहले मस्टर्ड सीड्स को 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखने के बाद इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और कुछ हरी मिर्च। एक साथ डालकर फिर उसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक केले का पत्ता लेंगे और उसको अच्छी तरह से धो लेने के बाद कुछ इस तरह से गैस में सेक लेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए और हमें इसको फिश के साथ रैप करने में आसानी हो। अच्छे से पत्ते को सेक लेने के बाद मैंने एक कटोरी में जो भी हमने अदरक लहसुन और सरसों का पेस्ट बनाया था उसको हम एक कटोरी में डाल देंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं। फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जितने भी सारे फिश के पीसेस हैं सब हम इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मस्टर्ड सीड्स के पेस्ट के साथ कोट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ इस तरह से सरसों का तेल। रॉ सरसों का तेल यानी कि रॉ मस्टर्ड ऑयल इस डिश को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता है। अब हमने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा धनिए का पत्ता। अच्छी तरह से हम सबको मिक्स कर लेंगे। केले का पत्ता जिसको हमने गैस पर सेक लिया था, उन्हीं केले के पत्ते पर एक एक फिश का पीस डालकर हम उसे रैप कर लेंगे। अब हम कुछ इस तरह से एक एक फिश के पीसेस डालकर एक एक पोतली जैसा हम बना लेंगे। आप इसे किसी भी धागे से बांध सकते हैं। मैंने केले के पत्ते से ही इसको रैप करके बांधा है। आप किसी भी धागे से बांधकर एक पोतली जैसा बना लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम सारे फिश एक एक पोतली में इस तरह से बांध लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारी पोतली बना ली है और अब हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप कढ़ाई में भी कर सकते हो, लेकिन आज मैंने किया है एक तवे के ऊपर। तवे के ऊपर मैंने एक केले का पत्ता रखा है, उसके ऊपर इस तरह से सारी पोतली डालकर ढक्कन से ढककर 15 to 20 मिनट्स तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए,
हमारी फिश रेडी हो चुकी है। केले के पत्ते की ये खुशबू इस डिश को और स्वादिष्ट बना देती है। अब चावल के साथ इसी तरह से एक एक पोटली को सर्व कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूंगी, इसीलिए मैं यहाँ से सारे फिश को निकाल लूंगी। अब मैं थोड़ा सा इसे थाई कोरिएंडर, जिसे हम एस्मीज में मान धनिया बोलते हैं, इसके साथ गार्निश करूंगी और थोड़ा सा ऊपर से और रॉ मस्टर्ड ऑयल डालकर इसे सर्व करूंगी। आई होप आप सबको आसाम की ये टेस्टी, हेल्दी और फुल ऑफ फ्लेवर्स वाली रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।